गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस and the last part of breathing and respiration. So for transport of gases, let's see students, this is your atmosphere, this is your atmosphere where partial pressure of oxygen is 159 mm of mercury so from atmosphere the atmospheric oxygen travels and through the respiratory system, following the mechanism of breathing, through respiratory system, this is your system, respiratory system or respiratory pathway or pathway of air come to the alveolus. There is a system and obeying the law of mechanism of breathing, law of diffusion. And here the partial pressure of oxygen is 100 mm of mercury. So now atmospheric oxygen come to the alveolus, the structural and functional unit of lungs. As we have already known, the respiratory surface is richly supplied with blood vessel, so it is also richly supplied with blood vessel. This is alveolar capillary, and at the alveolar capillary the partial pressure of oxygen is 40. At the alveolus, partial pressure of oxygen is 100, and at the surrounding capillary, that is alveolar capillary, the partial pressure of oxygen is 40. So alveolar oxygen next diffuses to surrounding blood capillary. So after entering into the blood capillary, concentration of oxygen becomes more and the partial pressure again becomes high to 95. What is that place? This is the tissue capillary, and this is tissue, and this is tissue fluid. So at the tissue fluid, partial pressure of oxygen is 40. And here partial pressure of oxygen is 23. Okay?
सो पिला माने एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर एट टू प्लेसेस वन एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अनदर एट द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन दैट इज टिश्यू दैट मीन्स वी हैव टू सी फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन साइट ऑफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन साइट दैट इज एटमोस्फियर हाउ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन कम टू द टिश्यू व्हेयर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट देयर इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फॉलोइंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन कम टू द अल्वियोलस हियर विथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस द अल्वियोलर ऑक्सीजन diffuses to surrounding blood capillary obeying the law of diffusion differentiation due to differentiation in partial pressure the partial pressure of oxygen here at atmosphere is 159 alveolus re 100 alveolar capillary re 40 ethiki diffuse hei sariba pare oxygen ro concentration high kei gala तेणु पार्शियल प्रेशर भी तार बढ़ीगला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू कैपिलरी 95 एट द टिश्यू फ्लूइड इट इज 40 एंड एट द टिश्यू इट इज 23 सो 159 जगह 100 को 100 रु 40 को आफ्टर हाइक 95 95 रु 40 40 रु 23 सो फाइनली टू द टिश्यू ऑक्सीजन इज नाउ रीच्ड दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिजल्ट एज ए बाय प्रोडक्ट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मड एज ए बाय प्रोडक्ट इट्स पार्शियल प्रेशर एट द टिश्यू इज 52 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द टिश्यू इज 52 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टिश्यू फ्लूइड इज 46 एवं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टिश्यू कैपिलरी इज 40 पिला माने देखो इटे दिस इज वन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेकंड एट द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन साइट एंड हियर वन एट द रेस्पिरेटरी सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस सो कार्बन डाइऑक्साइड रो एठी जमिति पिला माने ऑक्सीजन 95 रु 40 40 रु 23 को गला एठी समिति रिवर्स वे रे 52 रु 46 को 46 रु 40 को आसला एठी जमिति 100 रु 40 को जीवा परे बढ़ी गला 95 एठी समिति 46 रु 40 को आसीबा परे बढ़ी गला 46 सो एठी गोटे जागा होयार एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑकर बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एठी गोटे जगह व्हेयर आल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस 40 को आसीबा परे कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन एठी बढ़िला तार पार्शियल प्रेशर बढ़िला पार्शियल प्रेशर केते हला 46 कोठे ना अल्वियोलर कैपिलरी रे एवं अल्वियोलस रे केते ना 40 एवं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एटमॉस्फेयर इज 0.3 एमएम ऑफ मर्क्यूरी ओके सो इन दिस वे दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर एट टू प्लेसेस वन एट द रेस्पिरेटरी सरफेस इन बिटवीन अल्वियोलस एंड सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिफ्यूजन obeying the law of diffusion that is from a region of its higher partial pressure to a region of its lower partial pressure
From a region of its higher partial pressure of carbon dioxide to a region of its lower partial pressure of carbon dioxide. And second place exchange of gases occur at the second place, that is site of oxidation in between tissue and tissue capillary via tissue fluid. And in the same mechanism obeying the law of diffusion. Then question arises, how from alveolus to the tissue oxygen travels and carbon dioxide also travels. Eithu etiki puni how oxygen is transported and carbon dioxide is transported, that is transport of gases. Gases means the respiratory gases. Okay, respiratory gases who? Both oxygen and carbon dioxide. So for the transport of gases, pilamane, blood is the medium of transportation. It is blood who travels to each and every part of our body. Let's see how then oxygen transported in blood and carbon dioxide also transported in blood. So before going to that, we must have certain basic knowledge about blood. As we know that blood, it is a fluid connective tissue. It has two components. One is the liquid matrix, that is called plasma, and the formed element, the blood corpuscles, RBC, WBC and platelet. So in plasma is poor conductor of both oxygen and carbon dioxide. Okay, so in plasma there is abundant major component of water, about 90 to 92%, 1% inorganic salt, your sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride ion, high bicarbonate ion, sulfate ion, phosphate ion. These are the inorganic substances in 1%. Plasma protein like albumin, globulin, fibrinogen, they are 7%, and remaining 2%, the all sort of nutrient, gases, waste, hormones, vitamins, antibodies, etc., etc. And another part, there is a formed element RBC, WBC and platelet. So in your RBC, red blood corpuscle, there is the major component, the RBC major component is your hemoglobin. Hemoglobin, the respiratory pigment, In some other animals, chloroquinin, erythrocinin, hemocyanin, all other respiratory pigment also present. But in our body, hemoglobin is the respiratory pigment, which is a chromoprotein, and hemoglobin, it has two part. One, the hem, the prosthetic group, okay, this is your hem, the prosthetic group, and protein part globin. And this is your hemoglobin, and this globin, it consists of
four polypeptide chains of amino acid, the protein part. This is your protein part, globin, and another hem, the pigment, iron containing pigment, the prosthetic group. And this protein globin consists of four polypeptide chains of amino acid. Chains of amino acids. Two alpha chain with 141 amino acid and two identical beta chain with 146 amino acid. So this is the structure of hemoglobin with molecular weight 68,000 molecular weight. Okay, तेणु से जो चारिटी पॉलीपेप्टाइड चेन अच्छी पिला माने प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन रे गोटिए लखे हेम ग्रुप अटैच्ड तेणु गोटिए हेम ग्रुप रे गोटिए मॉलिक्यूल रो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होउचे तेणु गोटिए हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चारोटी मॉलिक्यूल रो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करी थाए. ओके, सो आमे पिला माने आसीबा देन हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एंड हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज transported in blood. Transport of oxygen. Transport of oxygen. Oxygen is transported in blood in two form. Dita form re oxygen transport hochi. One is in dissolved state. Dissolved state, that is carbon dioxide or oxygen bitaru. Carbon dioxide is more soluble in water, oxygen is less soluble in water. So 3% of total oxygen is transported in blood is transported in blood dissolved in plasma. Plasma re pila mane 90% water achi tenu blood ti jete bele blood bhitar ko jete bele oxygen jauchi because it is less soluble in water only 3% of total oxygen get dissolved in plasma in blood and remaining 97% as oxyhemoglobin. Ame kahile ene just ame hemoglobin ro structure kahile je hemoglobin होचे दुईटी जिनिस रे तयारी गोटिए आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हेम द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द हेमोग्लोबिन दैट इज हेम ग्रुप एंड अनदर द ग्लोबिन प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड टू आइडेंटिकल अल्फा चेन जो थरे 141 लाखे अमीनो एसिड अछि and two identical beta chain jo thare 146 lakhe amino acid achi tenu amaro gotie lakhe jo hemoglobin molecule charoti hem group achi pratyek hem group re gotie lakhe amaro oxygen molecule seta ko carry karuchi ebong 100 ml of blood ye amaro 1.34 gram ro oxygen ko transport karuchi तेणु एप्रोक्सीमेटली आमर 20 ग्राम रो आमर ऑक्सीजन डिजल्व होकरी आमर जाउचे. सो ऑक्सीहीमोग्लोबिन HB4 plus 4O2 गिव्स राइज टू HB4O8. ये हूँ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन
एंड दिस इज योर ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तेणु हेमोग्लोबिन रो आमर कलर टिके पर्पल रेड कलर, तेणु ऑक्सीजनेटेड ब्लड रो कलर आफ्टर ऑक्सीजनेशन इट इज ब्राइट रेड इन कलर। ओके, सो इन दिस वे इन टू फॉर्म दैट इज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। आमर टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे जदि आमर 90 ग्राम रो माने 90 ऑक्सीजन जाउची आमर आसुची डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रे तारो ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर अनुसार पिला माने आमर मूव करिथाए टिश्यू रे। से जेहेतु आमर 195 रो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अछि एवं तेणु टिश्यू कंज्यूम करुची 5 ग्राम रो ऑक्सीजन पर मिनिट, काहेकि प्रत्येक मिनिट रे आमर 5 टोटल कार्डियक आउटपुट बाहरुची हार्ट। सो हाउएवर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन टू फॉर्म, वन इज इन डिजॉल्व स्टेट 3%, अनदर 97.97% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ हेम अटैच्ड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज देयर आर 4 मॉलिक्यूल ऑफ हेम ग्रुप, सो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, लाइक ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन टू फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नंबर वन इन डिजॉल्व स्टेट, इन डिजॉल्व स्टेट 7% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड डिजॉल्विंग इन प्लाज्मा, इट इज मोर सॉल्युबल दैन ऑक्सीजन। सेकेंड, एज कार्बामिनोहेमोग्लोबिन द 23% ऑफ कार्बामिनो कंपाउंड और कार्बामिनो हेमोग्लोबिन ओके 23% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन ब्लड कंबाइनिंग विथ अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन पार्ट हेमोग्लोबिन
hemoglobin forming a loose compound, forming an unstable compound, an unstable compound called carbaminohemoglobin pila mane ye rahila blood re rahila hemoglobin re rahila globin protein re rahila amino group so carbon dioxide combines with amino group of protein part of hemoglobin present in blood forming carbaminohemoglobin tenu dissolved state re gala 7% ebong carbaminohemoglobin he kiri gala au 23% ye 7% au jo rahila remaining kete remaining 70% as bicarbonate ion 3 as bicarbonate ion dekho pila mane remaining as bicarbonate 70% of total carbon dioxide formed is transported in blood as bicarbonate ion कौन पिला मैंने इटा को देखिबा आपको टिके भलो रे बुझो दिस इज योर blood, this is your blood, this is RBC, WBC, platelet, plasma, okay? carbon dioxide combines with water to form carbonic acid and this way 7% of carbon dioxide is transported again this carbon dioxide enter into RBC here 70% the 70% of carbon dioxide combines with water in the presence of enzyme carbonic anhydrase in the RBC carbonic anhydrase in the absence of carbonic anhydrase also this reaction occur but in less amount slow way so carbon dioxide combines with water in the presence of enzyme present in RBC called carbonic anhydrase to form carbonic acid means when plasma gets saturated with carbon dioxide the remaining part of carbon dioxide enter into RBC where it combines with
water in the presence of enzyme carbonic anhydrase to form carbonic acid. This carbonic acid again dissociates into hydrogen ion and bicarbonate ion. Hydrogen ion and bicarbonate ion. And this hydrogen ion and bicarbonate ion combines with potassium hemoglobinate. Potassium hemoglobinate to form potassium bicarbonate. Potassium bicarbonate plus hemoglobinic acid. Hemoglobinic acid. पिला मैंने देखो दिस बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन्स विथ पोटासियम हेमोग्लोबिनेट टू फॉर्म पोटासियम बाइकार्बोनेट एंड हेमोग्लोबिनिक एसिड. दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू एनायन एंड इम्परमिएबल टू काटायन. बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन पे यहाँ परमिएबल बट सोडियम पोटासियम पाई इम्परमिएबल. सो हि फ्रम बाइकार्बोनेट दिस बाइकार्बोनेट आयन एंटर्स इनटू प्लाज्मा प्लाज्मा व्हेयर इट कंबाइन्स विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सेम अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन फ्रम दिस कम टू द to compensate the electrolyte balance. From the plasma, same amount of chloride ion come to balance the electrolyte amount. Electrolyte balance taku maintain kariba pai, compensate kariba pai, samo parimana ro chloride ion asila, yaku kohanti amaro chloride shift. Chloride shift or Hamburger phenomenon. Hamburger's phenomenon. Phenomenon. Okay? And ye 70% and 23% combines with RBC, hemoglobin, to form carbamino compound. Carbamino compound. Tenu, eighty pilamane aquame kohiba chloride shift or हमबर्जर्स फेनोमेनन. आउ थे कहीदे कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा सहित सैचुरेटेड हो सारे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कौटिक जीव पिला माने आरबीसी के आरबीसी रे ये से वाटर संगे मिसिकरी कार्बोनिक एनहाइड्रेज रो प्रेजेन्स गोटे कंपाउंड बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड फॉर्म करुची. जो कार्बोनिक एसिड वेरी सून डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. इट कंबाइन्स विथ पोटासियम हेमोग्लोबिनेट टू फॉर्म पोटासियम बाइकार्बोनेट एंड हेमोग्लोबिनिक एसिड. ये होची पोटासियम हेमोग्लोबिनेट पोटासियम हेमोग्लोबिनेट एंड दिस इज हेमोग्लोबिनिक एसिड. हेमोग्लोबिनिक एसिड. ओके एवं ए जो बाइकार्बोनेट आयन ए जो मेम्ब्रेन रे से होची परमिएबल. द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज परमिएबल टू एनायन एंड काटायन पे इम्परमिएबल. तेणु बाइकार्बोनेट आयन माने डिफ्यूजेस इनटू द प्लाज्मा एंड सेम अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन एंटर इनटू आरबीसी. ओके एंड द बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन्स विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्ट ऑफ अ गैसेस. हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड. इट इज ट्रांसपोर्टेड इन टू फॉर्म. गोटे डीजल स्टेट गोटे ऑक्सीहीमोग्लोबिन. आउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन थ्री फॉर्म. गोटे हूँ डीजल स्टेट गोटे कार्बामिनो कंपाउंड आ गोटे पिला माने बाइकार्बोनेट आयन. सो आज पिला माने इतिक नेक्स्ट क्लास रे ता पर जिनिस पढ़ी.